हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल द फोकस विद विनय पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे में इस समय बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। 28 फरवरी से कुछ 28 फरवरी को स्टार्ट होंगी, नोटिफिकेशन आएगा, और कुछ का 4 मार्च को, कुछ का 8 मार्च को, कुछ का 12 मार्च को। तो उसी में एक RRB ग्रुप डी भी है जिसमें सबसे अधिक पोस्ट आ रहे हैं। पूरा हल्ला हो गया, 1 लाख पोस्ट आएंगी, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। फ्रेंड्स, 1 लाख पोस्ट तो आ रहे हैं, पर उसमें क्या क्या कंडीशन है ये कोई अभी नहीं जान रहा था। तो आज एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है फ्रेंड्स, एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है न्यूज़पेपर में, जिससे इतना बड़ा धोखा सामने आया है कि रेलवे फिर धोखा देने वाले बेरोजगारों को। और कुछ नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले भर्ती में हुआ था कि एक बार ग्रुप डी के पोस्ट के लिए ITI कंपलसरी किया गया था, एक बार नहीं किया गया, फिर किया, फिर नहीं, कई बार किया गया था। तो यही सेम कंडीशन इस बार भी हो रहा है फ्रेंड्स। इस बार भी क्या किया गया, साफ साफ लिख दिया है प्रेस रिलीज़ में कि अब ग्रुप डी पोस्टों के लिए कई कभी वैकेंसी आएगी रेलवे में, तो उसके लिए ITI कंपलसरी होगी। पिछली वैकेंसी में केवल एक बार छूट दिया गया था, दोबारा कभी छूट नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मजाक किसी को कुछ है नहीं, बेरोजगारों के साथ सभी लोग जान रहे हैं कि इतने लोगों के पास मतलब कि ITI नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। और यही कारण है कि पिछले बार बोर्ड को मजबूरन 10th पे भर्ती करना पड़ा था, लेकिन इस बार फिर से वही किया जा रहा है कि अब 10th पे भर्ती नहीं किया जाएगा, ITI लगेगा। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ प्रेस रिलीज़ क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के वीडियो पे, मैं दिखाता हूं वो प्रेस रिलीज़ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल स्टेशन कॉलोनी गुवाहाटी 781001। तो ये गुवाहाटी का प्रेस रिलीज है फ्रेंड, गुवाहाटी बोर्ड का। अटेंशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा उसके लिए अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। द प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवेज इज 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी NSE ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI। यानी कि ये कह रहे हैं कि अब ग्रुप डी पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिस, जो फ्रेंड्स बहुत कम लोगों के पास है। ये ऐसा नहीं है ग्रुप डी 100% पोस्ट के लिए होने वाला है, कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए होने वाला है, जैसा कि पिछले बार भी था। लगभग 90% रेलवे में टेक्निकल डिपार्टमेंट ही है ग्रुप डी में, जैसा पिछले बार हुआ था। जब आया था आपका भर्ती 60,000, तो उसमें क्या था, 10th वालों के लिए केवल शायद 5,000 पोस्ट थे 60,000 में, 5,000 मान के चलिए, वही 10%। वही इस बार भी होगा, अगर 1 लाख है तो इसमें आपको कितने मिलेंगे, केवल 10,000 पोस्ट मिलेंगे, अगर ये रूल रहता है फ्रेंड्स। अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट को ITI के रिजर्व कर दिया जाता है तो आपके लिए केवल 10% सीट बचेंगे जिनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, जो 10th 12th वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब दिखाते हैं आगे क्या है। दिस प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वॉज हाउएवर रिलैक्स टू 10th पास और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE ग्रांटेड बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और ITI और इक्विवेलेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट वैकेंसीज इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवेज नोटिफाइड अंडर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 इशूड बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। तो कह रहा है कि मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो मतलब कि आप लोगों को पिछले वैकेंसी में छूट दे दी गई थी, वो दोबारा छूट नहीं दी जाएगी। केवल पिछले वैकेंसी में छूट दी गई थी, एक बार ये छूट दी गई है और ये दोबारा नहीं होने वाला है। पिछले बार आपकी डिमांड पे केवल छूट दी गई थी। इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक दैट दिस सिलेक्शन इन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज ओनली अ वन टाइम डिस्पेंसेशन फॉर रिक्रूटमेंट बीइंग डन अंडर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018। बताया जा रहा फिर वही चीज़ कि मतलब केवल एक बार किया गया था, केवल पिछले वैकेंसी के लिए, दोबारा नहीं होने वाला है। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स, यानी कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट 90% डिपार्टमेंट्स में अब ITI या अप्रेंटिस कंपलसरी है 10th के साथ साथ, 10th वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने में 10th वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी केवल 10% सीट बचेगा, यानी कि कह सकते हैं मैक्सिमम 10,000, ठीक है फ्रेंड्स। ये किसका है देख लीजिए, फिर से बता रहा, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सोल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न फ्रंट रेलवे, यानी गुवाहाटी बोर्ड का है। तो फ्रेंड्स, हमें आपको यही अपडेट देना था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो और 10th पे ही वैकेंसी आई इस बार भी, तो इसके लिए आपको RRB को मेल करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। पिछले बार जान रहे हैं ट्रेन रोका गया, क्या क्या किया गया, तब जाके हुआ है। तो इस बार भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो फिर ये केवल ITI के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा धोखा होगा बेरोजगारों के साथ। सभी लोग जान रहे हैं वैकेंसी पुरानी चल रही है, अभी उसे 1 साल भी नहीं हुए हैं,
तो मान लीजिए एक साल के अंदर कौन अपना डिग्री कंप्लीट कर पाएगा, आईटीआई कोई नहीं कर पाएगा अभी तक, तो ये जरूरी है कि इस बार भी टेंथ पे ही आए, रिजर्व ना किया जाए आईटीआई के लिए। तो इसके लिए आपको आगे आना होगा फ्रेंड्स, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आरआरबीज़ को मेल करना होगा। तो फ्रेंड्स हमें बस आपको यही अपडेट देना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे भी लगातार आपको मैं अपडेट देता रहूँ। थैंक यू।